पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले राशिद मिन्हास ने पाकिस्तानी जंगी जहाज जबरदस्ती भारत ले जाने का नापाक मंसूबा नाकाम बनाते हुए 20 अगस्त सन 1971 को अपने बंगाली इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान के हाथों बेबस होने की बजाय वतन की खाक पर जामे शहादत नोश करने को तरजीह दी और अपना जहाज खुद तबाह कर दिया। इस बेमिसाल बहादुरी पर इन्हें फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। याद रहे कि इस वाक़े से पहले ही मशरकी पाकिस्तान में मार्च सन 1971 में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से फौजी ऑपरेशन शुरू हो चुका था, जिसके नतीजे में बिलाखिर मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। राशिद मिन्हास ने अपने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत ना तजुर्बाकारी और कम उम्र के बावजूद अपने बंगाली इंस्ट्रक्टर के साजिशी अजायम को नाकाम बनाया और यूँ राशिद मिन्हास का जज्बा हुब्बुल वतनी नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल बन गया। वो निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले सबसे कम उम्र और पाक फिजाइया के वाहिद ऑफिसर हैं। कम उम्री में निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले राजपूत घराने के चश्मशराग राशिद मिन्हास 17 फरवरी सन 1951 को कराची में पैदा हुए। राशिद मिन्हास ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की। इसके बाद इनके वालिद रावलपिंडी शिफ्ट हुए तो राशिद मिन्हास को सेंट मैरी अकेडमी में तालीम हासिल करने का मौका मिला, मगर कुछ अरसे बाद वो दोबारा कराची चले गए तो इनको सेंट पैट्रिक कॉलेज में दाखिल करा दिया गया, जहाँ से इन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान नुमाया पोजीशन लेकर पास किया। इन्होंने अपना आइडियल फौजी जिंदगी को बनाया और अपने मामू विंग कमांडर से जज्बाती वाबस्तगी के बायस पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की। राशिद मिन्हास का शौक रंग लाया और इनको पाक फिजाइया में सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग के लिए कोहाट और कुछ अरसे बाद रिसालपुर भेज दिया गया। रिसालपुर में राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी से फ्लाइट कैडेट की तरबियत हासिल की। एयरफोर्स अकेडमी के तालिबे इल्म की हैसियत से इन्होंने जून सन 1970 में पिशावर यूनिवर्सिटी से बीएससी फर्स्ट डिवीजन में पास किया। सन 1971 में राशिद मिन्हास ने अकेडमी से जनरल ड्यूटी पायलट की हैसियत से ग्रेजुएट किया और इन्हें कराची में पीएएफ बेस मसरूर पर पोस्ट किया गया ताकि लड़ाका पायलट की तरबियत हासिल कर सकें। 20 अगस्त सन 1971 को जेर तरबियत पायलट की हैसियत से राशिद मिन्हास माणिपुर के मसरूर एयरबेस से T-33 जेट ट्रेनर को उड़ाने वाले थे, जब बंगाली पायलट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर जहाज के कॉकपिट में दाखिल हो गया। दौराने परवाज मतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास को सर पर जर्ब लगाकर बेहोश किया और परवाज का कंट्रोल संभाल कर तैयारी का रुख हिंदुस्तान की जानिब मोड़ दिया। उस वक्त जब हिंदुस्तान का फासला सिर्फ 40 मील रह गया था तो राशिद मिन्हास को होश आ गया और इन्हें इल्म हुआ कि तैयारा अगवा कर लिया गया है। राशिद मिन्हास ने इस मौके पर पीएएफ मसरूर बेस में सुबह 11:30 के करीब रابطہ किया और तैयारा अगवा होने से मुतालिक आगाह किया। इन्होंने तैयारे का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश की। राशिद और मतीउर रहमान के दरमियान झड़प शुरू हो गई, लेकिन राशिद ने मतीउर रहमान को इसके नापाक और मजमूम मकसद में कामयाब न होने दिया और तैयारा भारत की सरहद से 32 किलोमीटर के फासले पर जमीन बोस करते हुए पाकिस्तान की खातिर जामे शहादत नोश कर लिया। इस लाजवाब कारनामे पर राशिद मिन्हास को बाद अज़ वफ़ात पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज निशान हैदर देने का ऐलान उस वक्त के सदर जनरल मोहम्मद यहिया खान ने किया और इस तरह वो ये एजाज पाने वाले सबसे कम उम्र और पाक फिजाइया के अब तक के वाहिद अफसर बने। इसके अलावा अटक में कायम कामरा एयरबेस को राशिद मिन्हास शहीद के नाम से मंसूब किया गया। पाकिस्तान में निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद राशिद मिन्हास कराची के फौजी कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। राशिद मिन्हास बचपन से ही वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक जगह लिखा था कि ये दुनिया आरजी कयामगाह है और जिंदगी बहुत मुख्तसर, तो क्यों न तेजी से गुजरते हुए वक्त से मुसाबकत करते हुए जो कुछ भी हासिल किया जा सके वो हासिल कर लिया जाए ताकि आने वाली नस्लें हमें अजीम लोगों की हैसियत से याद रखें। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।